चलिए, हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 9वीं की विज्ञान के बारे में। याद रखिए, इसमें हम लोग 8 चैप्टर आपके खत्म कर चुके हैं। और याद रखिए, कक्षा 9वीं की ये लास्ट बुक है विज्ञान। कक्षा 6वीं से कक्षा 9वीं तक की सभी बुक्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं इसे कंप्लीट करने के बाद। और उसके बाद 10, 11, 12 की भी बचती हैं। आप लोग एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर आप स्टेट पीसीएस या फिर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो समय रहते हुए आप लोग एनसीईआरटी पढ़ लें, क्योंकि इसका कोई दूसरा आपके पास विकल्प नहीं है। बिना एनसीईआरटी पढ़े कुछ नहीं उखड़ने वाला है, तो इसे पढ़ लें। और आपकी जो पीडीएफ होती है वो टेलीग्राम पर डाल दी गई है, सब जो भी आपके लिए सिविल सर्विस के लिए बुक्स जरूरी है उन सब की टेलीग्राम पर पीडीएफ डाल दी गई है। और एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आपके पास समय है तो कक्षा 6वीं से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर नहीं है आपके पास तो कक्षा 9वीं से 12वीं तक की तो आपको बुक्स पढ़नी ही है। और वैसे भी कक्षा 6वीं से कक्षा 8वीं तक की बुक्स जो भी हैं बहुत पतली पतली हैं, एक सप्ताह में आप लोग खत्म कर सकते हैं अगर अच्छे से पढ़े तो उसे भी पढ़ ले। मेरी तो यही सलाह है, फिर आप पर निर्भर करता है। तो चलिए हम बात करते हैं बल बल तथा गति के नियम के बारे में। ये आपका 9वां चैप्टर है। तो याद रखिए, आपकी जितने भी चैप्टर हैं, जितनी भी क्लासें ली गई हैं, वो सभी एनसीईआरटी पूर्ण कवरेज के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनाई हुई थी उसी में डली हुई हैं, क्लास बाय क्लास। ठीक है, पिछले अध्याय में हमने एक सरल रेखा में वस्तु की स्थिति, वेग तथा त्वरण के बारे के आधार पर वस्तु की गति का वर्णन किया था। हमने देखा कि ऐसी गति में कभी एकरूपता होती है तथा कभी नहीं होती। लेकिन अभी हमने ये चर्चा नहीं की है कि गति का कारण क्या होता है। गति का कारण क्या होता है? समय के साथ वस्तु की चाल क्यों बदलती है? क्या सभी प्रकार की गतियों का कोई कारण होता है? यदि ऐसा है तो इस कारण का स्वभाव क्या है? इस अध्याय में हम ऐसे ही सभी जिज्ञासाओं को बुझाएंगे, यानी कि इन सभी के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सदियों से गति और इसके कारणों ने वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को उलझा रखा है। फर्श पर रखी एक गेंद को धीमे से ठोकर लगाने पर वह हमेशा के लिए गतिशील नहीं रहती है। ऐसी परिस्थितियों से यह पता चलता है कि किसी वस्तु की विराम की अवस्था ही उसकी स्वाभाविक अवस्था है। ऐसी मान्यता तब तक बनी रही जब तक कि गैलीलियो और आइजक न्यूटन साहब ने वस्तुओं की गति के बारे में एक पूर्णता भिन्न संकल्पना प्रस्तुत नहीं की। यानी कि न्यूटन साहब ने, आपने देखा होगा, तीनों नियम नहीं दिए तब तक इस तरह की जिज्ञासाएं मन में बनी रही। और मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को इसमें कुछ ज्यादा समझाने लायक कुछ होता होगा, क्योंकि बहुत ही सरल शब्दों में लिखी गई है आपकी बुक्स। इसीलिए तो आपको सलाह दी जाती है कि एक आपका बेस बन जाएगा क्लियर, कि आपको सभी शब्दों की परिभाषा भी मालूम चल जाए और सभी के बारे में आप जानने भी लगे। तो अच्छे से पढ़िए, और लास्ट में निष्कर्ष इसका जो भी होता है वो बता दिया जाता है, वहां दिया है। तो आपको टेंशन ज्यादा नहीं लेना है, बस आपको धैर्य रखकर पढ़ना है। अपने प्रतिदिन के जीवन में हम देखते हैं कि एक स्थिर वस्तु को गति देने के लिए या फिर गतिशील वस्तु को रोकने के लिए हम कुछ प्रयास करना पड़ता है। सामान्य भाषा में इसके लिए हमें शारीरिक प्रयास करना पड़ता है, तथा हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु को गति की अवस्था में लाने के लिए हमें उसे खींचना या धकेलना या फिर ठोकर लगाना पड़ता है। खींचने, धकेलने या फिर ठोकर लगाने की इस क्रिया पर बल की अवधारणा आधारित है। अब हम बल के विषय में विचार करते हैं। यह क्या होता है बल? वास्तव में बल को ना तो किसी ने देखा है, ना चखा है, ना ही महसूस किया है। हालांकि बल का प्रभाव हम प्रायः देखते या महसूस करते हैं। किसी वस्तु पर बल लगाने पर क्या होता है, यह जानकर हम बल की व्याख्या कर सकते हैं। वस्तु को खींचना, धकेलना या फिर ठोकर लगाना, ये सभी क्रियाएं वस्तु को गति देने की युक्तियां हैं, यानी कि आगे या पीछे धकेलने की गतियां हैं। हमारे द्वारा किसी तरह का बल लगाने पर उनमें गति होती है। यहां आप देख रहे होंगे, धकेलने पर ट्राली लगाए हुए बल की दिशा में गति करती है, दरवाजे को खींचा जाता है इस तरह से, इस तरफ। हॉकी स्टिक से गेंद को आगे की ओर ठोकर लगाने पर वह आगे जाती है, इस तरह से आप देख रहे होंगे। वस्तुओं को धकेलकर, खींचकर या ठोकर लगाकर उनकी गति की अवस्था को बदला जा सकता है। पिछली कक्षाओं में अर्जित ज्ञान के आधार पर आप इस बात से परिचित हैं कि किसी वस्तु में वेग का परिमाण बदलने, अर्थात वस्तु की गति को तेज या धीमी करने के लिए या फिर उसकी गति की दिशा में बदलने के लिए बल का प्रयोग होता है। आप यह भी
जानते हैं कि किसी बल के प्रयोग द्वारा वस्तु का आकार फिर आकृति भी बदली जा सकती है। चित्र आप देख रहे होंगे 9.2 में बल लगाने पर स्प्रिंग खिंचती है। यहाँ आप देख रहे होंगे ये सामान्य स्प्रिंग हो गई और बल लगाने पर इस तरह से खिंचती है। दूसरा है बल लगाने पर गेंद गोलाकार गेंद अंडाकार हो जाती है। इस तरह से आप ये सामान्य गेंद हो गई और बल लगाएंगे आप तो इस तरह से हो जाएगी। फिर आपका संतुलित और असंतुलित बल चित्र 9.3 में इस तरह से लकड़ी का एक पिंड एक समतल मेज पर रखा है। चित्र में दर्शाए अनुसार दो धागे एक्स और वाई पिंड के विपरीत सिरों से जुड़े हैं। अगर हम किसी बल द्वारा धागे एक्स को खींचते हैं तो पिंड दाहिनी ओर खिसकता शुरू होता है। उसी प्रकार अगर हम धागे को वाई को खींचते हैं तो पिंड वाई ओर खिसकना शुरू करता है। लेकिन अगर पिंड को दोनों ओर से समान बल द्वारा खींचा जाए तो ऐसी दशा में पिंड गति नहीं करता है। इस तरह के बलों को संतुलित बल कहते हैं तथा यह गति की अवस्था को परिवर्तित नहीं करती है। क्या करती है? गति की अवस्था को परिवर्तित नहीं करती है। यह एक ऐसी अवस्था की कल्पना करें जिसमें भिन्न भिन्न परिमाण के दो विपरीत बल भिन्न पिंड को खींचते हैं। इस अवस्था में पिंड अधिक बल वाली दिशा में खिसकना शुरू करेगा। इस प्रकार दोनों बल संतुलित नहीं है और असंतुलित बल पिंड के खिसकने की दिशा में कार्य करता है। इससे यह पता चलता है कि किसी पिंड पर लगने वाला असंतुलित संतुलित बल उसे गति प्रदान करता है। यहाँ आप देख रहे हैं ए बाई ए एक्स, आप जिस तरफ से खींचेंगे जिस तरफ को उस तरफ जाएगी ना, ठीक। अगर आगे की तरफ बल लगाते हैं आप लोग तो आगे वस्तु जाएगी, ठीक है। क्या होता जब कुछ बच्चे एक बक्से को खुरदरी फर्श पर धकेलने की कोशिश करते हैं? यदि वे कम बल के साथ बक्से को धकेलेंगे तो बक्सा नहीं खिसकेगा आगे, क्योंकि घर्षण बल धकेलने की विपरीत दिशा में काम करता है। आप इस तरह से देख रहे होंगे चित्त ए, चित्त बी और चित्त सी। यह घर्षण बल दोनों संपर्क सतहों के बीच में उत्पन्न होता है, अर्थात बक्से के नीचे की सतह तथा फर्श की खुरदरी सतह के बीच यह घर्षण बल धकेलने में लगे बल को संतुलित कहता है और यही कारण है कि बक्सा नहीं खिसक सकता है। चित्र 9.4 में बच्चे बक्से को जोर से धकेलते हैं लेकिन बक्सा फिर भी नहीं खिसक सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि घर्षण बल अभी भी धकेलने वाले बल को संतुलित कर रहा है। जो घर्षण बल है वो धकेलने वाले जो आप धक्का दे रहे हैं उस पर बल लगा रहे हैं, इसे संतुलित कर देता है। अगर बच्चे बक्से को ज्यादा जोर से धकेलेंगे तब धकेलने वाला बल घर्षण बल से अधिक हो जाएगा। फिर क्या होगा? ये घर्षण बल को पार कर जाएगा, यानी कि घर्षण बल से अधिक हो जाएगा और यहाँ असंतुलित बल कार्य करता है, इसलिए बक्सा खिसकने लगेगा। जब हम साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है? पैडल चलाना बंद करने का पर साइकिल की गति धीमी होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। साइकिल को गति में रखने के लिए हमें फिर से पैडल चलाना पड़ता है, यानी कि जो घर्षण बल है उससे ज्यादा हमें बल लगाना पड़ता है। इस अवस्था में ऐसा प्रतीत होता है कि किसी वस्तु को सतत गतिशील बनाए रखने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। तथापि वह बिल्कुल गलत है। कोई वस्तु समान वेग के साथ केवल तभी गतिशील रह सकती है जब उस पर लगने वाला बल बाह्य तथा घर्षण संतुलित होते हैं तथा वस्तु पर कोई नेट बाह्य बल कार्य नहीं करता है। अगर किसी वस्तु पर असंतुलन बल लगाया जाता है तो उसके वेग में परिवर्तन या फिर उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। इसी प्रकार किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। आपको उसकी गति या फिर गति की दिशा में तब तक परिवर्तन होता रहेगा जब तक कि यह संतुलित बल उस पर कार्य करता रहेगा। तथापि यह बल हटा लेने पर वस्तु प्राप्त हुए वेग से गतिमान रहेगी। आपने गति का प्रथम नियम यह आपको कुछ अच्छे से समझ में आएगा। वस्तुओं की किसी अनंत तल पर गति को देखकर गैलीलियो ने निष्कर्ष निकाला कि जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है वस्तु एक निश्चित गति से चलती है। उन्होंने देखा कि कांच की गोली अनंत तल पर लुढ़कती है तो उसका वेग बढ़ जाता है। अगले अध्याय में आप पढ़ेंगे कि गोली असंतुलित गुरुत्वीय बल के कारण नीचे गिरती है और नीचे पहुंचते पहुंचते यह निश्चित वेग प्राप्त कर लेती है। चित्र 9.5 ए ए दिख रहा है बी ए
दशा अनुसार यह कांच की गोली ऊपर की ओर चढ़ती है तब इसका वेग घटता है। चित्र 5.9.53 में दोनों ओर से एक आदर्श घर्षण रहित आनत तल पर एक गोली स्थिर गोल गैलीलियो से तर्क दिया कि जब गोली की बाईं ओर से छोड़ा जाता है तब यह ढाल पर नीचे की ओर लुढ़केगी तथा दाईं ओर के आनत तल पर उतनी ही ऊंचाई तक जाएगी जितनी ऊंचाई से उसे छोड़ दिया गया था। यदि दोनों ओर के तलों के झुकाव समान है तो गोली उतनी ही दूरी चढ़ेगी जितनी की दूरी तक की वह लुढ़कती थी। अगर दाईं ओर के आनत तल के कोण को धीरे धीरे कम किया जाए तो गोली को मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए अधिक दूरी तय करनी होगी। अगर इस तल को क्षैतिज कर दिया जाए अर्थात ढाल को शून्य कर दिया जाए तो गोली मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए क्षैतिज तल पर लगातार चलती ही रहेगी। यहाँ गोली पर लगने वाला असंतुलित बल शून्य होता है। इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि गोली की गति को बदलने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। लेकिन गोली की गति को एक रूप बनाए रखने के लिए किसी नेट बल की आवश्यकता नहीं होती है। वास्तविक अवस्था में शून्य असंतुलित बल बाह्य बल प्राप्त करना कठिन है। ऐसा गति के विपरीत दिशा में चलने वाले घर्षण बल के कारण होता है। इस प्रकार व्यवहार में गोली को कुछ दूर चलने के बाद रुक जाती है। घर्षण के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए चिकनी कांच की गोली अथवा चिकनी समतल का प्रयोग एक समतल की सतह पर चिकनायुक्त पदार्थ लुम्ब्रीबेंट का लेप किया जाता है। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए, इनका सीधा सा कहने का मतलब है कि आप झूले पे बैठे हैं, झूल रहे हैं। अगर आपको एक बार झूला दिया जाए ठीक है तो आप हमेशा झूलते रहेंगे अगर आप पर बाह्य बल कोई ना लगे। आप देखते हैं कि हवा आपके आपको रोक देती। अगर हवा नहीं आपको ऐसी स्थिति में रखा जाए जहां हवा बिल्कुल भी आपका पर प्रभाव ना पड़े, हवा का किसी भी वस्तु का आप पर बल ना लगे तो आप हमेशा घूमते रहेंगे, झूले पर झूलते रहेंगे, कभी नहीं रुकेगा। यही मतलब है कि बल इसे रोक देता है। न्यूटन ने बल एवं गति के बारे में गैलीलियो के विचारों को आगे विकसित किया। उन्होंने तीन मौलिक नियमों को प्रस्तुत किया जो कि वस्तु की गति को वर्णित करते हैं। इन नियमों को न्यूटन के गति के नियम के नाम से आप लोग जानते हैं। गति का प्रथम नियम इस प्रकार है। इससे पहले हम लोग उनके बारे में जान लें या पॉइंट दिए गए इनके बारे में, फिर हम गति के प्रथम नियम पर चलते हैं। गैलीलियो गैलीली का जन्म 15 फरवरी 1564 में होता है। इटली के पीसा शहर में हुआ था इनका। गैलीलियो की बचपन से ही गणित तथा प्राकृतिक दर्शन में रुचि थी, परंतु पिता ब्रेंजो गैलीलियो उन्हें एक चिकित्सक बनाना चाहते थे। इनकी पिक्चर्स हैं। तदनुसार गैलीलियो ने सन 1581 में चिकित्सा उपाधि के लिए पीसा विश्वविद्यालय में नामांकन किया। इस पाठ्यक्रम को भी कभी पूरा नहीं कर पाए क्योंकि उनकी वास्तविक रुचि गणित में थी। सन 1586 में उन्होंने अपनी प्रथम वैज्ञानिक पुस्तक द लिटिल बैलेंस ला बैलेंस्टिटिका लिखी, जिसमें उन्होंने एक तुला द्वारा पदार्थों के अपेक्षित घनत्व अथवा विशिष्ट गुरुत्व प्राप्त करने की आर्किमिडीज की विधि का वर्णन किया। सन 1589 में उन्होंने अपनी निबंध श्रेणी डी मोट में नत समतल के प्रयोग से किसी गिरती हुई वस्तु के गिरने की दर कम होने संबंधी अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया। सन 1992 में उन्होंने वेनिस गणराज्य के पाडुआ विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर पद पर नियुक्त किया गया था। यहाँ भी उन्होंने लगातार गतिज सिद्धांतों पर परीक्षण किया। उन्होंने नत समतल तथा लोलक संबंधी अपने अध्ययन द्वारा नियत त्वरण से गतिशील वस्तुओं से संबंधित परिष्कृत नियम प्रतिपादित किया। आपने लोलक घड़ी देखी होगी, उसमें भी आपने देखा होगा कि वो हमेशा घूम ऐसी एक तरफ से दूसरी तरफ जाती रहती है। उसमें जो घंटी टंगी रहती है घंटी टाइप की, वो हिलती रहती है क्योंकि वहाँ कोई भी बल प्रयोग नहीं कर रहा है। अगर वहाँ भी बल अगर लगता होता वहाँ निर्वात की अवस्था है, यानी कि कोई वायु नहीं है वहाँ, इसीलिए वो हमेशा चलती रहती है। गैलीलियो एक कुशल शिल्पकार भी थे। उन्होंने विभिन्न प्रकार की दूरदर्शियों की श्रेणी विकसित की जिनकी प्राकृतिक दक्षता उस समय उपलब्ध दूरदर्शियों से काफी उत्तम थी। सन 1640 के आसपास उन्होंने प्रथम लोलक घड़ी की संरचना की। उनकी खगोलीय आविष्कारों की एक पुस्तक स्टार मैसेंजर में
गैलीलियो ने चंद्रमा पर पहाड़ों छोटे छोटे सितारों से मिलकर बनी आकाशगंगा तथा बृहस्पति ग्रह के पारित चार छोटे पिंडों को घूमते हुए देखने का दावा किया। उन्होंने अपनी पुस्तकों डिस्कोर्स ऑन फ्लोटिंग बॉडीज तथा लेटर्स ऑन द सन स्पोर्ट्समैन सूर्य पर धब्बे उपस्थित धब्बों के संदर्भ में अपने पेक्षणों का रहस्योद्घाटन भी किया। अपने स्वयं के द्वारा निर्मित दूरबीनियों दूरदर्शियों के प्रयोग द्वारा शनि तथा शुक्र ग्रह के निरीक्षण में थे। गैलीलियो ने यह तर्क दिया कि सभी ग्रह सूर्य के फरीता ही कक्षीय गति करते हैं, ना कि पृथ्वी के फरीता। यह विचार उस समय पिछले विचारधारा के विपरीत था। एक बात तो आप लोग भी देखते हैं कि जो माँ बाप होते हैं, आपकी रुचि किसी और चीज में है, लेकिन आपके माँ बाप की वजह से आप दूसरा रास्ता चुन लेते हैं। और मेरा मानना है कि अगर आप जबरदस्ती कोई रास्ता चुन रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें आप सफल हो पाएंगे, क्योंकि जिसमें हमारा मन है, जिसमें हम पूरी तरह से सक्षम है, उसी को रास्ते को चुनना चाहिए। प्रत्येक आगे बात करते हैं, ये है आपके गति के प्रथम नियम। प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या फिर सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। स्थिर अवस्था यानी कि कोई अगर खड़ा है, झूला, झूले को ले लीजिए क्योंकि आपका सरल उदाहरण है और सब लोग इससे परिचित भी हैं। झूला अगर स्थिर है, अगर इस पर आप बल नहीं लगाएंगे तो स्थिर बना रहेगा, और इसे एक बार आप झूला देंगे, खींच के छोड़ देंगे, तो ये हमेशा चलता रहेगा अगर इस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। यही आपका न्यूटन का प्रथम नियम है। दूसरे शब्दों में सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं। गुणात्मक रूप से किसी वस्तु की विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व का नियम कहते हैं। एक बात आप लोगों ने और याद रखिए, रख लीजिए आप, कि जो न्यूटन का गति का प्रथम नियम है, इसे जड़त्व का नियम भी कह देते हैं। यही कारण है कि गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं आप लोग। किसी मोटर गाड़ी में यात्रा करते समय होने वाले अनुभवों की व्याख्या जड़त्व के नियम द्वारा की जा सकती है। सीट के सापेक्ष हम तब तक विरामावस्था में रहते हैं जब तक कि मोटर गाड़ी को रुकने के लिए ब्रेक ना लगाई जाए। ब्रेक लगाए जाने पर गाड़ी के साथ सीट भी विरामावस्था में आ जाती है, परंतु हमारा शरीर जड़त्व के कारण गतिज अवस्था में ही बने रहते हैं, और अचानक ब्रेक लगने पर सीट के आगे लगे पैनल से टकरा कर हम घायल भी हो सकते होंगे। आपने देखा होगा कि अगर आप सीट पर बैठे हैं, एकाएक ब्रेक लगाया जाए तो आप आगे की ओर गिर जाते हैं या आगे की ओर सामने सीट में लग जाते हैं। इस तरह की दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा बेल्ट का उपयोग किया जाता है। ये सुरक्षा बेल्ट हमारे आगे बढ़ने की गति को धीमा करते हैं। इसके विपरीत अनुभव हमें तब होता है जब हम मोटर बस में खड़े होने होते हैं और मोटर वाहन बस अचानक चल पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोटर बस के अचानक गति में आ जाने से हमारा पैर तो मोटर बस के फर्श के संपर्क में रहता है और गति में आ जाता है, परंतु शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण इस गति का विरोध करता है। जब कोई मोटर कार तीव्र गति के साथ किसी तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक ओर झुकने लगते हैं। इसे भी जड़त्व के नियम से ही समझा जा सकता है। हमारा शरीर अपनी एक सरल रेखीय गति को बनाए रखना चाहता है। जब मोटर कार की दिशा को बदलने के लिए इंजन द्वारा एक असंतुलित बल लगाया जाता है, तब हम अपने शरीर के जड़त्व के कारण सीट पर एक ओर झुक जाते हैं। ये सभी आपके जड़त्व के नियम के कारण ही होते हैं। एक वस्तु तब तक अपनी विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल नहीं लगाया जाता। इसे निम्न गतिविधि द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्रियाकलाप, या आप एक हमेशा बात याद रखिए कि क्रियाकलाप को आपको पढ़ना है, करते नहीं बैठ जाना है, ठीक है? एक बार पढ़िए, आराम से निकल जाइए, एक दो बार आप बुक्स पढ़ेंगे, आराम से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चित्त 9.6 में के अनुसार एक ही तरह की कैरम की गोटियों को एक के ऊपर एक रखकर ढेरी बनाए, इस तरह की बात की जा रही है। एक अन्य गोटी यानी कि स्ट्राइकर को अपनी उंगलियों से तीव्रता से क्षेत्रित झटका देकर ढेर की सबसे निचली वाली गोटी पर टकराएं। यदि आप गोटी को पर्याप्त तीव्रता से टकराते हैं तो आप देखेंगे कि केवल नीचे वाली गोटी की सीधता से ढेरी से बाहर जाती है। नीचे वाली गोटी के बाहर आ जाने के बाद शेष गोटियां अपने जड़त्व के कारण लंबवत दिशा में नीचे की ओर गिर जाती है। इस तरह से आप किसी तीव्र गति के कैरम की गोटी या फिर स्ट्राइकर से झटका कर ढेरी के
ढेरी जो लगी होती है उसके सबसे नीचे वाली गोटी की ढेरी से बाहर निकल जाती है और बाकी बनी रहती है। क्रियाकलाप 9.2, कांच की एक खाली गिलास के ऊपर एक कड़े कड़े ताश का पत्ता रखें। अब चित्र इस तरह से, अब चित्र में दर्शाए अनुसार पत्ते के ऊपर 5 रुपए का एक सिक्का रखें। पत्ते की उंगलियों से तीव्र क्षेत्र झटका दें। आप पाएंगे कि पत्ता आगे खिसक जाता है और सिक्का अपने जड़त के कारण नीचे की ओर गिलास में गिर जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पत्ते के हटने के बाद भी सिक्का अपनी विरामावस्था को बनाए रखता है और जहां रहता है उसी हिसाब से नीचे चला जाता है गिलास में। ये आपका यहाँ देख रहे हैं आप लोग, अंगुली से ताश के पत्ते को झटका देने पर पत्ते के ऊपरी रखा सिक्का नीचे की ओर गिलास में गिर जाता है। फिर आपका क्रियाकलाप 9.3, पानी से भरा गिलास किसी ट्रे पर रखिए। ट्रे को हाथ से पकड़कर जितनी तेजी से हो सके घूम जाइए। हम देखेंगे कि गिलास लुढ़क जाता है और पानी छलक जाता है। क्यों? क्या आप यह अब समझने के प्लेट में कप को देखने के लिए खांचा क्यों बना होता है? अचानक झटका लगने की दिशा में प्लेट का खांचा कप को गिरने से रोकता है और उसमें जो भी आप चाय कॉफी पानी रखे हुए हैं वो गिरने से बच जाता है। अब बात करते हैं जड़त और द्रव्यमान। अभी तक दिए गए सभी उदाहरणों और गतिविधियों से ज्ञात होता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, चाहे वह फिर विरामावस्था में या फिर गतिशील में। वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। वस्तु का यह गुण उसका जड़त कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़त कहलाता है। क्या सभी वस्तुओं का जड़त समान होता है? हम जानते हैं कि पुस्तकों से भरे बक्से को धक्का देने की अपेक्षा खाली बक्से को धक्का देना आसान होता है। उसी प्रकार हम एक फुटबॉल को किक लगाते हैं तो वह दूरी दूर चली जाती है, जबकि अगर हम उतने ही बल से किसी उतने ही बड़े पत्थर पर किक लगाते हैं तो हो सकता है कि वह खिसक के भी ना, हो सकता है कि ऐसा करते समय हमें ही चोट लग जाए। क्रियाकलाप 9.2 में हम 5 रुपए के सिक्के के स्थान पर यदि कम द्रव्यमान के सिक्के का प्रयोग करते तो हम पाते हैं कि उसी क्रिया को करने में हमें कम बल की आवश्यकता होती। एक ठेला गाड़ी को चलाने के लिए जितने बल की आवश्यकता होती है उतना बल यदि किसी रेलगाड़ी पर लगाया जाए तो उसकी गति में ना के बराबर परिवर्तन होगा, क्योंकि ठेला गाड़ी की तुलना में रेलगाड़ी अपनी गति में कम परिवर्तन चाहती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेलगाड़ी का जड़त ठेला गाड़ी से अधिक है। क्या आप कह सकते हैं? रेलगाड़ी जो है उसका जड़त जो ठेला गाड़ी है उससे अधिक है। इससे स्पष्ट है कि भारी वस्तुओं का जड़त अधिक होता है। जो भारी वस्तुएं होती हैं उनका जड़त क्या होता है? अधिक होता है। मात्रात्मक रूप से किसी वस्तु का जड़त उसके द्रव्यमान से मापा जाता है। अतः हम जड़त और द्रव्यमान को निम्न रूप में परिभाषित कर सकते हैं। किसी भी वस्तु का जड़त उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी भ्रम या फिर गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त की माप है। इन क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं, ठीक है, जो आपने पढ़ा है उन्हीं से संबंधित है। अब चलते हैं हम लोग गति के द्वितीय नियम की ओर, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम की ओर। पहला नियम आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। गति का प्रथम नियम यह बताता है कि जब कोई असंतुलित बाह्य बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, अर्थात वस्तु त्वरण प्राप्त करती है। अब हम देखेंगे कि किसी वस्तु का त्वरण उस पर लगाए गए बल पर कैसे निर्भर होता है तथा उस बल को हम कैसे मापते हैं। आइए कुछ दैनिक अनुभवों का अध्ययन करें। टेबल टेनिस खेलने के दौरान यदि गेंद किसी खिलाड़ी के शरीर से टकराती है तो वह घायल नहीं होता है। गति से आती हुई क्रिकेट की गेंद किसी दर्शक को लगने के बाद उसे घायल कर सकती है। सड़क के किनारे खड़े किसी ट्रक से कोई दुर्घटना नहीं होती है, परंतु 5 मीटर प्रति सेकंड जैसी कम गति से चलते हुए ट्रक से टक्कर रास्ते पे खड़े किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण भी बन सकती है। एक छोटे द्रव्यमान की वस्तु जैसे गोली को अगर बंदूक से तीव्र गति से छोड़ा जाए तो वह किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है। इससे पता चलता है कि वस्तु के द्वारा उत्पन्न प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग पर निर्भर करती है। क्या? वस्तु के द्वारा उत्पन्न जो प्रभाव होता है वो वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। इसी प्रकार यदि किसी वस्तु को त्वरित किया जाता है तो अधिक वेग प्राप्त करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग से संबंधित एक महत्वपूर्ण राशि होती है। संवेग नामक इस राशि को न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। किसने? न्यूटन ने। किसी वस्तु का संवेग p है, उसके द्रव्यमान m और वेग
वेग बी के गुणनफल से परिभाषित किया जाता है। इस तरह से पी बराबर एम बी, या आपका एम द्रव्यमान हो गया, बी आपका वेग हो गया, और पी संवेग। संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। इसकी दिशा वही होती है जो वेग की होती है। संवेग का ऐसा ही मात्रा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। चूंकि किसी असंतुलित बल के प्रयोग से उस वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि बल ही संवेग को भी परिवर्तित करता है। एक ऐसी अवस्था के बारे में विचार करें जिसमें खराब बैटरी वाले एक कार को सीधी सड़क पर 1 मीटर प्रति सेकंड की गति प्रदान करने के लिए धक्का दिया जाता है, जो कि उसके इंजन को स्टार्ट करने के लिए पर्याप्त है। यदि एक या फिर दो व्यक्ति इसे अचानक धक्का देते हैं तो भी यह स्टार्ट नहीं होती है, लेकिन कुछ समय तक लगातार धक्का देने से कार उस गति पर आ जाती है। इस पे स्पष्ट है कि कार के संवेग में परिवर्तन केवल बल के परिमाण से नहीं होता है, बल्कि उस समय से है जितने समय तक उस पर बल लगाया जाता है। इससे यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन लाने में लगने वाला बल उसकी उस समय तक समय दर पर निर्भर करता है जिसमें कि संवेग में परिवर्तन होता है। गति का द्वितीय नियम क्या बताता है आपको? किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलन बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है। गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना करें अगर हम लोग, तो माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु u प्रारंभिक वेग से सीधी रेखा में चल रही है, t समय तक एक निश्चित बल f लगाने पर उस वस्तु का वेग v हो जाता है, तब इसका प्रारंभिक और अंतिम वेग क्रमशः p1 बराबर mu और p2 बराबर mv होंगे। संवेग में परिवर्तन p2 माइनस p1, इस तरह से mv माइनस mu, m आपको कॉमन ले लीजिए यहां से, और b माइनस u। संवेग में परिवर्तन की दर की बात करें तो आपका अनुपात यहां आप देखेंगे कि m इंटू कोष्टक b माइनस u अपॉन t, फिर यह बल लगाया गया बल f समानुपाती m इंटू b माइनस u अपॉन t, f बराबर KM into B minus U upon T, KMA, या आप A बराबर B minus U upon T रख देंगे, वेग में परिवर्तन की दर होगी। और यहाँ जो K है ये अनुपातिकता स्थिरांक है। द्रव्यमान और त्वरण के SI मात्रक क्रमशः किलोग्राम और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। हम बल का मात्रक इस प्रकार लेते हैं कि स्थिरांक के का मान 1 हो जाता है। इस प्रकार बल को उस मात्रा के रूप में परिभाषित करते हैं। 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है, अर्थात एक इकाई बल के कोष्टक 1 इंटू 1g इंटू 1m मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार k का मान 1 हो सकता है, 1 हो जाता है, और समीकरण f बराबर ma। बल का मात्रक k किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसे न्यूटन आइजैक न्यूटन के नाम पर भी कहते हैं, यानी कि इसे न्यूटन भी कहते हैं, जिसे n द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। गति के द्वितीय नियम से हमें किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने की विधि मिलती है। बल को उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण एवं वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल से प्राप्त किया जा सकता है। ये इस तरह से गति के द्वितीय नियम का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में प्रायः देखते हैं। क्या आपने क्रिकेट मैच के दौरान मैदान में क्षेत्र रक्षक को तेजी से गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ को पीछे की ओर खींचते हुए देखा था? इस प्रकार से क्षेत्ररक्षक गेंद के वेग को शून्य करने में अधिक समय लगाता है। इस प्रकार गेंद में संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है। इस कारण तेजी से आ रही गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है। अगर गेंद को अचानक रोका जाए तो तीव्र गति से आ रही गेंद का वेग बहुत कम समय में ही शून्य होता है, अर्थात गेंद के संवेग में परिवर्तन की दर अधिक होती है, इसलिए कैच लपकने में अधिक बल लगाना होता है, जिससे हो सकता है कि खिलाड़ी की हथेली में चोट लग सकती है अगर आप पीछे ना खींचे तो। ऊंची कूद वाले मैदानों में खिलाड़ियों को कुशन या फिर बालू पर कूदना होता है। ऐसा खिलाड़ियों के छलांग लगाने के बाद गिरने के समय को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस स्थिति में संवेग में परिवर्तन की दर कम होती है। सोचो कि कैच कैसे कराटे का एक खिलाड़ी एक ही झटके में बर्फ की एक सिल्ली को तोड़ देता है।
क्रिकेट के खेल में कैच लपकने के लिए क्षेत्र रक्षक गेंद के साथ अपने हाथों को धीरे धीरे पीछे हुए खींच रहा है। इस तरह से गति के द्वितीय नियम को गणितीय सूत्र के उपयोग से गति के प्रथम नियम को गणितीय रूप से प्राप्त किया जा सकता है, एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम कोष्ठबंद यू बी माइनस यू अपॉन टी, या फिर एफ टी बराबर एम बी यू बी, जहां एफ आपका जीरो है तो किसी समय किसी भी समय टी पर यू भी बराबर यू, इसका अर्थ है कि वस्तु समान वेग यू से चलती है, यदि यू शून्य है तो भी शून्य होगा, अर्थात वस्तु विरामावस्था में रहेगी। यहाँ आपका एक उदाहरण दिया गया है, इसे भी देख लेते हैं। एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यगत होता है, यदि वस्तु के वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है तो लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करिए। यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग ज्ञात करना है। हमें ज्ञात है कि u बराबर 3 मीटर प्रति सेकंड और v बराबर 7 मीटर प्रति सेकंड, t या 2 सेकंड है समय, m या द्रव्यमान 5 किलो है। समीकरण ये है आपका। मान रखने पर आप क्या करेंगे, मान रख देंगे सबके। इस तरह से अब अगर 5 सेकंड t बराबर 5 सेकंड यहाँ है तब बल लगाया जाता है तो समीकरण 9.5 को पुनः लिखकर अंतिम वेग प्राप्त कर किया जा सकता है, बी यू एफ टी अपॉन एम, यू एफ एम एन और टी का मान रखने पर अंतिम वेग आपका इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। ये दूसरा उदाहरण है, आप इसे देख लेना, ठीक है। ये तीसरा हो गया आपका, ये सब याद देखते रहिए। हमारा उद्देश्य यहां सिर्फ न्यूटन की गति को समझना है और निकल जाना है, क्योंकि ये तो उसी के लिए है कि जो इस क्लास में पढ़ रहा होगा। अभी पर देखते तो रहना चाहिए ना आपको। अब चलते हैं गति का तृतीय नियम देखते हैं। पहले दोनों गति के नियम से हमें ज्ञात होता है कि कोई वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है, तथा इनमें हमें बल को मापने की विधि भी प्राप्त होती है। गति के तीसरे नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर तात्क्षणिक बल लगाया जाता है। ये दोनों बल परिमाण में सदैव समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि बल सदैव एबल रूप में होता है। एबल कभी एक वस्तु पर कार्य नहीं करते बल्कि दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। फुटबॉल के खेल में फ्राहम गेंद को तेजी से गति से किक मारने के क्रम में विपक्षी टीम के खिलाड़ी से टकरा जाते हैं। इस क्रम में दोनों खिलाड़ी एक दूसरे पर बल लगाते हैं, अतएव दोनों ही खिलाड़ी चोटिल होते हैं। दूसरे शब्दों में किसी एकल बल का अस्तित्व नहीं होता है। क्या एकल बल का अस्तित्व नहीं होता बल्कि एक सदैव युगल रूप में होते हैं। इन दोनों विरोधी बलों को क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल कहा जाता है। माना कि दो स्प्रिंग तुलाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं, जैसा कि चित्र 9.10 में बताया जा रहा है। तुला बी का स्थिर सिरा दीवार से जुड़ा है। जब तुला ए के मुक्त सिरे पर बल लगाया जाता है तब हम पाते हैं कि दोनों तुलाएं एक ही मान दर्शाती हैं, अर्थात तुला ए द्वारा तुला बी पर प्रयुक्त बल तुला बी के द्वारा ए पर लगाए हुए बल के परिमाण में समान होता है, परंतु इन दोनों बलों की दिशाएं परस्पर विपरीत होती हैं। इन दोनों बलों में से कोई बल क्रिया और दूसरा बल प्रतिक्रिया कहलाता है। अतः गति के तृतीय नियम को इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है, किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यद्यपि यह याद रखना चाहिए कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पर एक साथ कार्य करती हैं। माना जाए कि आप विश्राम की अवस्था में और सड़क पर चलना प्रारंभ करते हैं तो द्वितीय नियम के अनुसार इसके लिए एक बल की आवश्यकता होती है जो आपके शरीर में तुरंत उत्पन्न करता है। यह कौन सा बल है? क्या यह पेशीय बल है? तो आप सड़क पर लगाते हैं, क्या बल हमें उसी दिशा में लगाते हैं जिस दिशा में हमें आगे बढ़ते हैं? नहीं, हम नीचे पृथ्वी की सतह को अपने पैरों से पीछे धकेलते हैं और सड़क भी आपके पैर पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है जिसके प्रभाव से आप आगे बढ़ पाते हैं। यही जानना आवश्यक है कि यद्यपि क्रिया और प्रतिक्रिया बल मान में हमेशा समान होते हैं फिर भी ये बल एक समान परिमाण के तुरंत उत्पन्न नहीं कर सकते हैं।
ऐसा इसलिए क्योंकि प्रत्येक बल अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं पर कार्य करता है। बंदूक से गोली छोड़ने की अवस्था में बंदूक द्वारा गोली पर आगे की ओर एक बल निरूपित होता है। गोली भी बंदूक पर एक समान परंतु विपरीत दिशा में बल लगाती है, इससे बंदूक पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होती है। चूंकि बंदूक का द्रव्यमान गोली के द्रव्यमान से बहुत अधिक होता है, इसलिए बंदूक का त्वरण गोली के त्वरण से काफी कम होता है। एक नाविक द्वारा नाव से आगे की ओर कूदने की स्थिति में गति के तीसरे नियम को प्रदर्शित किया जाता है। नाविक आगे की ओर कूदता है तो नाव लगने वाली प्रतिक्रिया बल नाव को पीछे की ओर धकेल देती है। आप एक सोचिए, एक गोली पर लगने वाला त्वरित बल है, बंदूक पर आरोपित प्रत्यक्ष बल। आप सोचिए कि आपके द्वारा जो बल लगाया जा रहा है वो प्रतिक्रिया बल अगर खतरनाक तरीके से हो तो सामने वाले से ज्यादा चोट आपको लग सकती है। और इससे साधारण सी जिंदगी समझिए कि आप सोचिए कि एक किसी के गाल पर एक तमाचा रगड़ के देते हैं दबा के, और उसी चक्कर में एक भूत सामने से देता है, तो आपने क्रिया की, उसके विपरीत आपको भी प्रतिक्रिया मिली हुई है। यही रहता है, बंदूक भी चलाते समय आपने देखा होगा कि पीछे की ओर धक्का लगता है प्रतिक्रिया के बल के कारण। इस नाव में आपने देखा होगा कि आप जब कूदते हैं तो नाव पीछे की ओर धकल जाती है। अब क्रियाकलाप 9.4 को देख लेते हैं। दो बच्चों के को पहिए वाली गाड़ी पर खड़ा होने को कहें, जैसा कि चित्र 9.13 में दर्शाया गया। इसमें उन्हें बालू से भरा थैला या कोई वस्तु, भारी वस्तु दे। अब उन्हें थैले को लपकते हुए खेलने को कहें। क्या बालू के थैले को फेंकने के बाद उसमें से प्रत्येक क्षणिक बल का अनुभव करते हैं? आप गाड़ी के पहिए पर कोई सफेद रेखा खींच कर दें ताकि वे दोनों बच्चे थैले को फेंकें तो गाड़ी की गति का अवलोकन किया जा सके। अब दोनों बच्चों को किसी एक गाड़ी पर खड़ा कर तथा एक बच्चे को दूसरी गाड़ी पर, आप यहाँ गति के द्वितीय नियम को देख सकते हैं क्योंकि इस अवस्था में बल अलग अलग त्वरण उत्पन्न करेगा। इस क्रिया में दिखाई गई गाड़ी 50 सेंटीमीटर × 100 सेंटीमीटर आकार के 12 मिलीमीटर या फिर 18 मिलीमीटर मोटे प्लाईवुड में दो जोड़े पहिए लगाकर बनाई जा सकती है। स्केटबोर्ड प्रभावी नहीं होगा क्योंकि इसका सीधी रेखा में गति करना कठिन होता है। अब चलते हैं संवेग संरक्षण। माना कि दो वस्तुएं, दो गेंदें ए बी जिनका द्रव्यमान क्रमशः एम बी है, एक ही सरल रेखीय दिशा में अलग अलग वेग यू ए और यू बी से गति कर रही है। इस तरह से तथा उन पर कोई अन्य असंतुलित बल कार्यरत नहीं है। माना U V दोनों गेंदों एक दूसरे से टकराती हैं, जैसा कि चित्र 9.B में, मतलब देख रहे हैं दोनों तरफ एक दूसरे की तरफ बल लगा रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं। माना कि टक्कर का समय T है। इस क्रम में गेंद A और B FABB बल लगाती तथा गेंद A पर बी ए बल लगाती है। माना कि टकराने के बाद ए और बी गेंद बी का वेग क्रमशः यू ए और यू बी है। टक्कर के पश्चात दो गेंदों की टक्कर में संवेग। समीकरण 9.1 में गेंद ए का संवेग टकराने के पहले और बाद में क्रमशः एम ए यू ए और एम ए बी ए होंगे। संवेग में परिवर्तन की दर एफ ए बी होगी टकराने के समय। एम ए यू ए BA माइनस UA अपॉन T उसी समय। गेंद B की अगर हम लोग बात करें तो परिवर्तन की दर FBA होगी टकराने के समय MB UB अपॉन T होगी। गति के तृतीय नियम के अनुसार गेंद A के द्वारा गेंद B पर लगाया गया बल FAB तथा B के द्वारा लगाया गया बल BA एक दूसरे के बराबर और विपरीत होगा। समझ रहे हैं? इस तरह से आप रखेंगे यहां एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी बराबर एम ए बी ए प्लस एम बी बी बी। टकराने के पहले गेंद ए और बी का कुल संवेग एम ए यू बी ए एम बी यू बी यू बी तथा टकराने के बाद कुल संवेग एम ए बी ए प्लस एम बी भी ये। समीकरण 9.7 से हम पाते हैं कि जब गेंदों पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा हो
तो दोनों गेंदों का कुल संवेग बदलता नहीं है, यह कुल संवेग संरक्षित रहता है। इस प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है। यदि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो तो उसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं कि दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या फिर संरक्षित रहता है। क्रियाकलाप 9.5 को देख लेते हैं। एक बड़े आकार का गुब्बारा बैलून लें तथा इसकी पूरी तरह से हवा भरें। इसमें इसके मुख को धागे से बांधें। इसकी सतह पर किसी चिपकाने वाले टैप की सहायता से चित्र 9.15 में दशाए अनुसार प्लास्टिक की पतली नली लगाएं। इस तरह से एक्स्ट्रा के बीच से एक धागे को पार कराएं, जिसमें दोनों सिरों को दीवार पर चित्र अनुसार लगाएं। गुब्बारे के मुंह पर बांधे धागे को खोल दें। अब गुब्बारे में भरी हवा उसके मुख से बाहर की ओर निकलने लगेगी। एक्स्ट्रा अथवा गुब्बारे की गति की दिशा का अवलोकन कर सकते हैं। क्रियाकलाप 9.6। अच्छे कांच की एक परख नली टेस्ट ट्यूब लें तथा उसमें थोड़ा पानी भरें। परख नली के मुख पर एक स्टॉप कॉक लगाएं, चित्र 9.9 की तरह। इस तरह से अब परख नली को दो धागों के द्वारा स्टैंड पर क्षैतिज दिशा में लटकाएं। बर्नर की सहायता से परख नली को तब तक गर्म करें जब तक कि परख नली के पानी वाष्पित ना हो जाए और कॉर्क बाहर ना जाए। हम पाते हैं कि परख नली कॉर्क की गति की विपरीत दिशा में प्रक्षेपित होती है। कॉर्क तथा प्रक्षेपित परख नली का अंतर का अवलोकन कर सकते हैं। छोड़िए, इस उदाहरण को देख लीजिए। आप लोग 2 किलोग्राम की एक पिस्टल से 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गोली 150 मीटर प्रति सेकेंड के क्षैतिज वेग से छोड़ी जाती है तो पिस्टल के पीछे हटने के वेग का परिकलन कर सकते हैं। गोली का द्रव्यमान m बराबर 20 किलोग्राम, पिस्टल का द्रव्यमान m बराबर 2kg और गोली का प्रारंभिक वेग u1, पिस्टल का प्रारंभिक वेग u2, क्रमशः ये दोनों शून्य है। क्या है? शून्य है, अर्थात u1 माइनस u1 u2 बराबर 0। गोली का अधिकतम वेग की बात करें तो b1 बराबर प्लस 150 मीटर प्रति सेकंड। गोली की दिशा बाएं से दाएं परिपाटी के अनुसार धनात्मक ली जा गई है। माना कि पिस्टल का प्रतिक्षेपित वेग u है। गोली छोड़ने के पहले गोली तथा पिस्टल का वेग कुल संवेग 2 + 0.02 kg में है और 0 मीटर प्रति सेकंड बराबर 0 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होगा। गोली छोड़ने के बाद कुल संवेग आपका इस तरह से रखेंगे प्लस 2 kg इंटू Vm मीटर प्रति सेकंड, 3 + 2 V किलोमीटर प्रति सेकंड। संवेग के संरक्षण के नियम के अनुसार गोली छोड़ने के बाद कुल संवेग बराबर गोली छूटने के पहले का कुल संवेग, ये आपका गोली छूटने के बात का और ये छूटने से पहले का। ठीक, ऋणात्मक चिन्ह यहाँ यह दर्शाता है कि पिस्टल गोली के विपरीत दिशा में अर्थात दाईं से बाईं ओर प्रक्षेपित होगी। प्रेक्षण से पहले या आपकी प्रेक्षण के पश्चात, ये आपका इसे भी देख लेना। ये उदाहरण 9.8 है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लोग इसे क्या करिए कि PDF डाउनलोड कर लीजिए, वहां आपकी डली हुई है या आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं। देखिए, संरक्षण के नियम की बात करें, यहाँ दिया गया संरक्षण के समस्त नियमों जैसे संवेग, ऊर्जा, कोणीय संवेग, आवेश आदि के संरक्षण को भौतिकी में मौलिक नियम माना जाता है। ये सभी संरक्षण नियम प्रायोगिक प्रेक्षणों पर आधारित है। यह स्मरण याद रखना आवश्यक है कि संरक्षण के नियमों को प्रमाणित नहीं किया जा सकता है, इन्हें प्रयोगों के द्वारा सत्यापित या खंडित किया जा सकता है। किसी भी संरक्षण नियम के अनुकूल प्रयोग के परिणाम उस नियम को सत्यापित तो करते हैं लेकिन उसको सिद्ध नहीं करते हैं। दूसरी ओर यदि एक भी प्रयोग के परिणाम इस नियम के विरुद्ध हो तो यह संरक्षण नियम को खंडित करने के लिए पर्याप्त होगा। संवेग संरक्षण का नियम विभिन्न प्रकार के निरीक्षणों एवं प्रयोगों के पश्चात निगमित किया गया। इस नियम को लगभग 3 शताब्दी पूर्व प्रतिपादित किया गया था।
इस नियम को खंडित कर सकने वाली किसी स्थिति का अभी तक कोई अनुभव ज्ञात नहीं है। विभिन्न दैनिक अनुभवों को संवेग संरक्षण के नियम के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। तो इस अध्याय में आपने क्या क्या सीख लिया है? ये अच्छा है कि विज्ञान जितनी ही आप देखते हैं, याद रखिए अगर आप लोग इसे प्रयोगशाला में करके इसे पढ़ें तो बड़ी इंटरेस्टिंग रहती है। इसे लेकिन पढ़ें अकेले, केवल पढ़ें तो बड़ी बोरिंग टाइप की होती है। लेकिन इसमें एक अच्छा दिया गया है कि लास्ट में निष्कर्ष भी दिया जाता है कि आपने इस पढ़ने का उद्देश्य क्या था आपको इस पुस्तक को। गति का प्रथम नियम, वस्तु अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल कार्य न करे। यानी कि एक वस्तु अगर गतिमान अवस्था में या फिर विरामावस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। वस्तु द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। इसलिए आपने सुना होगा कि गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप SI मात्रा किसका किलोग्राम में हो। घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है। गति का द्वितीय नियम, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती एवं बल की दिशा में होती है। बल का SI मात्रा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। इसे न्यूटन के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रतीक N द्वारा व्यक्त किया जाता है कैपिटल में। एक न्यूटन की बल किसी एक किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर द्वारा का त्वरण उत्पन्न करती है। वस्तु का संवेग उसकी द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल होता है तथा इसकी दिशा वही होती है जो वस्तु के वेग की होती है। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर गति के तृतीय नियम की बात करें तो प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये दोनों वस्तुओं पर बाल पर कार्य करती है। किसी बिलक निकाय में कुल संवेग संरक्षित रहता है। आपके इस अध्याय से संबंधित क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें आप लगाते रहिए और PDF आप डाउनलोड करके रख लीजिए। कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक की सभी PDF तो आप जरूरी ही अपने पास रख लीजिए, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक्स भी है। ये आपका एक बेस बना देंगे। इसके बाद आप टेक्स्ट वो जब भी पढ़ेंगे, जैसे M लक्ष्मीकांत, पहले आप NCERT पढ़ लेंगे, उसके बाद आप M लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। और सबसे बड़ा फायदा इसका प्रीलिम्स में छोड़िए, मेंस में मिलता है। आप एक प्रभावशाली आंसर भी लिख सकते हैं अगर आपको ये अच्छे से पढ़ी हुई है बुक्स। आप समझिए कि आपसे अगर कहा जाए दिल्ली के बारे में लिखिए, तो आपको दिल्ली के बारे में जानकारी हो तब तो लिखेंगे आप, आपने पूरी तरह से इतिहास दिल्ली का पढ़ा हो। और फिर दूसरी तरफ आपको केवल कुछ ही पॉइंट दिल्ली के बारे में दे दिए जाए तो टेक्स्ट बुक हो गए आपके कुछ पॉइंट और दिल्ली का पूरा इतिहास आपका NCERT हो गए। तो चलिए अगले अध्याय में हम मिलते हैं 10वें अध्याय में, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात करेंगे। ठीक है।